उत्तर प्रदेश में संभल जिले में हलीम का ठेला लगाने वाले मजदूर का बेटा न्यायाधीश बना है। UPPCAJ परीक्षा में 135वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। बेटे की कामयाबी से परिवार में जश्न का माहौल है। न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार घर लौटे मोहम्मद कासिम का मोहल्ले वासियों ने जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि संभल तहसील क्षेत्र के गांव रुकनुद्दीन सराय निवासी मोहम्मद हलीम बेचने का काम करते हैं। वे अपने ही मोहल्ले में हलीम का ठेला लगाते हैं। उनके 3 बेटे और 5 बेटियां हैं। UPPCAJ परीक्षा पास करने वाले मोहम्मद कासिम उनके सबसे छोटे बेटे हैं। मोहम्मद कासिम की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने शहर के JDU इंटर कॉलेज से वर्ष 2011 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मोहम्मद कासिम ने BA और LLB अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की और इसके बाद LLM की परीक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास की थी। मोहम्मद कासिम ने बताया कि अपने पहले ही प्रयास में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। UPPCAJ परीक्षा में उन्हें 135वीं रैंक हासिल हुई है। मोहम्मद कासिम की इस कामयाबी से न सिर्फ उनके परिवार में खुशी का माहौल है बल्कि गांव वालों में भी खुशी की लहर डूबी हुई है। इस समय गांव में जश्न का माहौल है। न्यायाधीश की परीक्षा पास कर पहली बार घर लौटे मोहम्मद कासिम का गांव में कदम रखते ही जोरदार स्वागत हुआ। गाँव वासियों ने फूल मालाओं से मोहम्मद कासिम का स्वागत किया और पूरे गाँव में जुलूस निकाला। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। हम जो घंटे का नंबर भी ना आता जब भी हमने पढ़ा लिया। आपने पढ़ाया, कितने बच्चे हैं? 8 हैं। क्या करते हैं? सब हलीम चावल बेचे हैं। 2 भैये और 5 लड़की। 5 लड़की तो कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत हो रही है, इतनी मेहनत करिए गरीबी में। क्या नाम है आपका? वली मोहम्मद। क्या काम करते हैं आप? हलीम चावल बेचते हैं। अच्छा, बेटा आज जज बना है। जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत आपने की है बेटे को पढ़ाने में, और बेटे ने कितनी मेहनत की है? खूब की है, बेटे ने भी मेहनत की है, हमने भी मेहनत की है, और ये आसपास के हैं, इन्होंने दुआएं दी हैं, हमें सफल मिला। आज पूरा मोहल्ले का हुजूम आपके बेटे के साथ था। आपकी जय जयकार हो रही थी। जय जयकार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपने PCSJ की परीक्षा प्रथम बार पास की है, क्या कहना चाहेंगे? शांत हो जाइए जरा सर। कहने को तो सबसे पहले ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है, और आखिरकार मेहनत का जो भी सोचा था उसका फल मिला है, और इसमें मेरा ज़्यादातर हाथ नहीं है। अभी जो हुजूम देख रहे हैं लोगों का, ये सब इनकी बदौलत है। मैंने बस कोशिश की थी, बल्कि दुआएं और इनका सपोर्ट मुझे बहुत रहा, पूरे परिवार का और मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का। ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, और पूरा मोहल्ला, और मैं कहता हूँ पूरी बस्ती मुझे यहाँ बड़ी दिल से दुआएं दी, और ये सब इतना बड़ा मेरा परिवार, भले ही मेरे खून के रिश्ते का ना हो, लेकिन सब लोग, आपने देखा होगा कि जब से सड़क से उतरा हूँ फिर हुजूम ने मुझे मतलब मेरा स्वागत किया, तो इन सबकी दुआओं की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जब मुख्य सहयोग किसका रहा, किसको देते हैं श्रेय सफलता का? मुख्य सहयोग मेरी मदर हैं, जो ना पढ़े लिख के भी मुझे इतनी कोशिश करके पढ़ाया। तो मेरे भाई लोग हैं, मेरी मेरे माँ बाप हैं, और मेरी मंगेतर हैं, उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, और मेरी बहनों ने मेरे लिए बहुत किया, और मोहल्ले वालों ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे आसपास के लोगों ने जब भी कभी आता था तो यही रहता था कि कब आए, कैसे क्या पढ़ाई चल रही है, तो हमेशा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा। हम जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। देखता हूँ कि बहुत बैकवर्ड एरिया है और लोग बहुत पिछड़े हैं, एजुकेशन नहीं है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में तक नहीं पता है, और प्राइमरी लेवल पे भी यहाँ एजुकेशन बहुत ख़राब है। तो उसी चीज़ को सुधारने की एक पहल की थी मैंने, और पढ़ाई को मैं आगे तक लेकर पहुँचा। बस इसी को सुधारने के लिए मैंने छोटी सी कोशिश की है, इसकी सफलता आज मिली है।